ओके गाइस, द फर्स्ट हैक मैं ट्राई करने वाली हूँ क्राफ्ट फैक्ट्री में से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कपकेक ले रही हूँ और इसके ऊपर मुझे लगानी है व्हिप्ड क्रीम। एंड क्राफ्ट फैक्ट्री के हैक मैंने कभी ट्राई नहीं करे हैं, तो इनके हैक्स ट्राई करके देखते हैं रियल लाइफ में कितने वर्क करते हैं और कितने नहीं। तो सबसे पहले कपकेक ले लिया है मैंने, इसके ऊपर मैंने क्रीम लगा दी है काफ़ी सारे गाइस, आप देख सकते हो। और इसके ऊपर अब हम लगाएंगे आईज। एंड क्रीम आप कोई भी कलर की लगा सकते हो, वाइट भी लगा सकते हो और जो भी कलरफुल आप लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो। और इसके ऊपर मैं लगाने वाली हूँ एडिबल आईज। एंड ये बिल्कुल ईटेबल है, आप इसको खा भी सकते हो और जितनी मर्जी आप लगाना चाहते हो आप ऐसे लगा सकते हो गाइस। मुझे ये हैक बहुत अच्छा लगा, देखने में बहुत ही क्यूट सा कपकेक लग रहा है और हैलोवीन पार्टी पर तो आप ऐसे ज़रूर ट्राई कर सकती हो। अगर आप पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हो, घर पर भी कुछ कर रहे हो, तो आप ऐसे छोटे छोटे डेकोरेशंस कर सकते हो, बहुत ही क्यूट लगते हैं स्पेशली हैलोवीन डे पर। तो क्राफ्ट फैक्ट्री का ये वाला हैक तो वर्क करता है, आप ट्राई कर सकते हो, जितनी मर्जी आईज आप ऐसे लगा सकते हो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। एंड नेक्स्ट हैक मैं ट्राई करूँगी 5 मिनट क्राफ्ट में से। तो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पर फॉन्डेंट ले रही हूँ, आप फॉन्डेंट भी ले सकते हो या फिर आप चॉकलेट के स्मॉल पीसेस आते हैं वो भी ले सकते हो, नहीं तो आप कलरफुल जेम्स का भी यूज़ कर सकते हो मिकी माउस के ईयर्स बनाने के लिए। एंड मेरे पास ये फॉन्डेंट पड़ी थी ब्लू कलर की, तो इसको मैंने थोड़ा सा राउंड शेप में बना लिया है। छोटे छोटे ईयर्स हमें लगाने हैं ओरियो बिस्किट के ऊपर। अगर आपके पास फॉन्डेंट नहीं है तो आप कलरफुल जेम्स का भी यूज़ कर सकते हो। और ये बन गए हैं हमारे क्यूट से मिकी माउस के ईयर्स। और ओरियो बिस्किट मैंने ले लिया है, दोनों को मैं ऊपर लगा दूंगी ताकि बिल्कुल ईयर इफेक्ट लगे। और इसको अच्छे से इसके अंदर डालना है, आप जेम्स का यूज़ भी कर सकते हो गाइस। और इसके बाद हम लेंगे मेल्टेड चॉकलेट। तो यहाँ पर मैंने वाइट चॉकलेट को अच्छे से मेल्ट कर लिया है और हमें रेड कलर बनाना है, तो इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ रेड फूड कलर। और हाफ बिस्किट को हम इसमें अच्छे से डिप कर लेंगे। वाओ यार, ये तो अभी से कितना प्यारा लग रहा है, बिल्कुल मिक्की माउस जैसा लग रहा है यार, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसकी आईज बनाने के लिए आप यही चॉकलेट भी लगा सकते हो सेम कलर की, और अगर आप वाइट चॉकलेट लगाना चाहते हो तो वाइट चॉकलेट से भी आप ऐसी छोटी छोटी आईज बना सकते हो इसकी। और अगर आप एडिबल आईज का यूज़ करना चाहते हो तो वो भी आप इसके ऊपर लगा सकते हो। यार कितना प्यारा लग रहा है, मुझे ये वाला हैक बहुत अच्छा लगा, आप ज़रूर ट्राई करना। कितना क्यूट सा मिक्की माउस बनकर रेडी हो चुका है। ऐसे काफ़ी सारे मिक्की माउसेस आप बना सकते हो और सर्व कर सकते हो पार्टी में और हैलोवीन वाले डे पर, तो यार ये बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे क्यूट से डीआईवाई। एंड नेक्स्ट मैं पॉप्सिकल हैक्स ट्राई करने वाली हूँ और ये वाला हम ट्राई करेंगे क्राफ्ट फैक्ट्री में से। और जो सेकंड वाला हम ट्राई करेंगे वो हम ट्राई करेंगे 5 मिनट क्राफ्ट में से। तो दो पॉप्सिकल्स हम बना के देखते हैं और देखते हैं दोनों में से ज़्यादा अच्छा कौन सा बनता है। और ये वाला पॉप्सिकल बनाया है 5 मिनट क्राफ्ट वालों ने और दोनों के मैं ट्राई करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने ओरियो बिस्किट ले लिया है, इसके अंदर हमें अच्छे से डालनी है आइसक्रीम स्टिक। और चॉकलेट को मैंने मेल्ट कर लिया है, अगेन मैंने यहाँ पर वाइट चॉकलेट ली है और इसको अच्छे से मैंने मेल्ट कर लिया है माइक्रोवेव में। और बिस्किट के ऊपर मैं अच्छे से इसको पॉर कर दूंगी। और इसके ऊपर मैं डाल दूंगी चॉकलेट स्प्रिंकल्स, तो आप कलरफुल स्प्रिंकल्स का भी यूज कर सकते हो, मेरे पास अभी ये वाले थे तो मैं इसके ऊपर ये वाले डाल रही हूँ।
और इसके बाद मैंने यहाँ पर 3 वाइट फॉन्डेंट के पीसेज लिए हैं, बिल्कुल छोटे छोटे पीसेज मैंने कट कर लिए हैं राउंड शेप में, और वाइट फॉन्डेंट के पीसेज मैंने इसके ऊपर लगा दिए हैं। और इसके ऊपर अब हम लगाएंगे आइसिंग। तो आइसिंग आप कोई भी कलर की लगा सकते हैं, उन्होंने ब्लू कलर की यूज़ की थी, मेरे पास अभी ब्लैक कलर की थी तो मैं ब्लैक लगा रही हूँ, आप कोई और कलर की भी लगा सकते हो। और इसको सेट होने के लिए रख देते हैं और सेकंड हैक हम ट्राई करते हैं क्राफ्ट फैक्ट्री वाला। और इसके ऊपर भी सेम मैंने वाइट चॉकलेट लगा दी है। और इसके ऊपर फिर से हम आइसिंग करेंगे, इसका फेस बनाएंगे, तो मैं ब्लैक आइसिंग का यूज़ कर रही हूँ, और इसकी आइज़ बनाएंगे, नोज़ बनाएंगे, पूरा फेस हम आइसिंग से इसका कवर कर देंगे। तो गाइस, क्राफ्ट फैक्ट्री और 5 मिनट क्राफ्ट दोनों के हैक्स ही मुझे बहुत अच्छे लगे। ये वाला हैक भी बहुत प्यारा है, आप ट्राई कर सकते हो, ऐसा पॉप्सिकल आप बना सकते हो, और सेकंड वाला भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो दोनों हैक ही वर्क करते हैं, आप दोनों ज़रूर ट्राई करना। और हैलोवीन पार्टी में ये बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसे काफ़ी सारे पॉप्सिकल्स बना के अगर आप ट्रे में सर्व करते हो बहुत ही प्यारे लगते हैं। और गाइस, हैलोवीन ही पर क्यों, आप कोई और फनी किड्स के लिए कुछ प्लान कर रहे हो तो भी आप ऐसे पॉप्सिकल बना सकते हो। एंड लास्ट हैक में इन्होंने कपकेक लिया है, उसके ऊपर फॉन्डेंट लगाकर इन्होंने फेस बनाया है, थोड़ी सी आईज लगाकर, बिल्कुल घोस्ट इफेक्ट दे रहा है। तो गाइस, ये हैक भी मुझे देखने में अच्छा लगा कि ऐसे आप घोस्ट बना सकते हो, छोटे छोटे घोस्ट बना सकते हो। कपकेक के ऊपर सबसे पहले आपको क्रीम लगानी है, तो क्रीम आप जितनी हाइट पर लगाओगे उतना अच्छा आपका ऊपर से फॉन्डेंट फेस कवर हो जाएगा। तो थोड़ी सी ऊपर लेयर तक आपको क्रीम लगानी है, इसके बाद मैं इसके ऊपर लगाऊंगी वाइट फॉन्डेंट। और वाइट फॉन्डेंट को बिल्कुल मैंने सर्कल शेप में कट कर लिया है, और बिल्कुल सेंटर में आपको रखनी है फॉन्डेंट। एंड फॉन्डेंट लगाने के बाद अब हम बनाएंगे इसकी आईज़। तो मैं यहाँ पर इटेबल मार्कर का यूज़ कर रही हूँ, जो इटेबल मार्कर्स आते हैं, एडिबल मार्कर आते हैं, तो ब्लैक कलर से मैं यहाँ पर बना रही हूँ आईज़। वाओ गाइस, तो ये बनकर तैयार है हमारा घोस्ट कपकेक। तो आप ये हैप्पी ट्राई कर सकते हो, ये भी बहुत क्यूट लगता है। और अगर आप सब भी चाहते हैं मैं आपको शेयर करूं, तो आपको क्या करना है, मेरी वीडियोस को लाइक करना है और मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब।